शुभम हर हर महादेव। सावन महीने की आज तीसरी सोमवारी है और तीसरी सोमवारी पर अभी हम बाबा वेदांत मंदिर आए हुए हैं और बाबा वेदांत मंदिर में कांवरिया भक्तों का जलसेवा उमड़ पड़ा है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आस्था और भक्ति का जो है काफी सुंदर माहौल है और काफी संख्या में काफी तादाद में दीपक लाखों की संख्या में बाबा वेदांत मंदिर पहुंच रहे हैं और सभी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि ये मनोकामना लिंग बाबा वेदनाथ है, यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और इसी मनोकामना को लेकर लाखों भक्त से जल लेकर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है, वहीं सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है जिससे जितने भी कांवरिया भक्त बाबा वेदांत मंदिर आए सुरक्षा सुरक्षित जो है अभिषेक कर सके। और यहाँ पे अन्य कुछ भक्त है, हम चाहेंगे कि एक बार नारा बाबा भोलेनाथ का लगाइए। यहाँ भक्तों से जानते हैं आज सावन की सोमवारी है, आप कहाँ से आए और किस तरह से पूजा? मैं रांची से आया, बहुत ही अच्छा पूजा था, सरकार का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। रात से ही लाइन में लगे हुए थे, रात से ही, रात 8:30 बजे से लाइन में लगे हुए थे, किसी भी चीज का कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बाबा से क्या कामना किए आज बाबा का पूजा किए सावन के सोमवार? बाबा से हम लोग यही कामना किए हैं कि हम लोग का झारखंड और प्रगति में जाए, प्रगति की ओर जाए, हम लोग आगे बढ़े, बस यही कामना किया पूजा करना है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है और बाबा वेदनाथ मंदिर में पूजा दर्शन करने के पश्चात सभी शिव भक्त माँ पार्वती मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से सभी शिव भक्तों को जलाभिषेक करवाने में जुटी हुई है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में शिव भक्त का जनसैलाब जो है उमड़ पड़ा है बाबा वेदनाथ मंदिर में और सभी बारी बारी से कतारबद्ध तरीके से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक शिव भक्त है जो सावन की सोमवारी पर बाबा को जलाभिषेक किए, ये बताइए किस तरह से सावन की सोमवारी पर जलाभिषेक हुआ? सावन यहाँ बाबा वैद्यनाथ का कामना लिंग है, यहाँ लाखों की संख्या में कांवरिया और श्रद्धालु आते हैं और बाबा को जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। अरे बाबा जो है ढोले दानी है, अवघड़ दानी है, ये सब कुछ देता है, इसलिए आज श्रद्धालु जो है हम लोग जल चढ़ाए हैं, जल चढ़ाए थे, आज फिर से आए हैं बाबा को जल अर्पण करने, ताकि ये सोमवारी में काफी भीड़ है, जब पूरे देश से श्रद्धालु आए हुए हैं और सबकी मनोकामना बाबा भोले पूरी करते हैं। इसी तौर पर सबकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं और इसी मनोकामना और मन्नत को लेकर लाखों श्रद्धालु सावन में आते हैं, यहाँ करने श्रद्धालु है। कहाँ से आए? हम लोग जमशेदपुर झारखंड से आए हैं। किस तरह से सोमवारी को आज जलाभिषेक किया? आज तीसरा सोमवारी है, प्रचंड भीड़ के कारण भी आज हम लोग बहुत सुंदर से बाबा का दर्शन किए, जलाभिषेक किए हैं और समस्त श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं शांतिपूर्ण ढंग पर रखते हुए बढ़िया से बाबा का जल अर्पित करें और अपने घर को वापस जाए। आज काफी संख्या में भीड़ है, लाखों लाख की संख्या में यहाँ भीड़ जुटी हुई है। इसी तौर पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी भीड़ है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, घंटों लाइन और कतार में लगना पड़ रहा है, बहादुर सभी शिव भक्त बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर दर्शन कर काफी आनंदित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मिनरेट के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस, देवघर।